राधे राधे दोस्तों, आज शिमला मिर्च और सोयाबीन की ऐसी सब्जी बनाएंगे कि इसके आगे आपको पनीर और छोले फीकी पड़ जाएगी। बहुत ज़्यादा ये शानदार बनी है और इसे बनाना तो बिल्कुल आसान है। बिल्कुल घर के बेसिक मसालों से बना के तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा चटपटी और टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियाँ कट किए हैं, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, और यहाँ पे सोयाबीन लिए हैं 1 कप, देख सकते हैं। तो सबसे पहले सोयाबीन को हम उबालेंगे। तो यहाँ पे पानी हमने चढ़ा लिए हैं गैस पे गर्म होने के लिए। इस पानी में सोयाबीन को डाल के और इसे 1 उबाल आने तक उबाल लेंगे, और उसके बाद से 5 मिनट के बाद से इसे निकाल के अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 1 उबाल आ गई, गैस को ऑफ करते हैं और 5 मिनट इसी में छोड़ देंगे, उसके बाद से इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 3 चम्मच फ्रेश दही लेंगे। अब मसाले लेंगे तो 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 2 चम्मच यहाँ पर धनिया जीरा का पाउडर ले लेंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे, 1/2 चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लेंगे यहाँ पे कश्मीरी मिर्च, यहाँ पे 1 चम्मच करीब कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच चाट मसाला लेंगे और 2 बड़ा चम्मच लेंगे यहाँ पर सरसों का तेल। अब अच्छे से मसाले को, दही वाले मसाले जो है, अच्छे से फिट कर लेंगे ताकि दही का जो एक भी लंग्स ना रहे। तो यहाँ पर चलिए मसाले को अच्छे से फेंट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले जो है बहुत ही अच्छे से फेंट गया है। अब क्या करेंगे, जो ये सब्जियाँ हैं सबको एक साथ मिक्स करेंगे और इसी में मसाले को जो है डाल लेंगे। देखिए सारे मसाले सब्जियाँ में डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी के साथ मसाले को। तो देखिए मिक्स करने के बाद से इसे ढक के हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 7 मिनट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, गैस पर रख के गरम कर लिए हैं। अब इसमें सारे सब्जियां जो मसाले में मिक्स किए थे इसके अंदर डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे मिक्स करेंगे। जैसे जैसे सब्जी हमारी पकती जाएगी, जो हमने ऑयल डाले थे वो सेपरेट होने लगेगा और जो सोयाबीन और सब्जियां है अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे फ्राई करते हुए करीब 5 से 7 मिनट हो गया है। देखिए इसका तेल भी सेपरेट हो गया है, यहाँ पे पैन छोड़ रहा है और पूरी सब्जी अभी अच्छे से यहाँ पे देखिए रोस्ट हो गया है। अब क्या करते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। चलिए सब्जी के लिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल और कुछ खड़े मसाले ले लेंगे, जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता, 1 हरी इलायची और यहाँ पे 8 से 10 काली मिर्च कुटी हुई ले लेंगे। और सभी चीज़ों को चटकने के बाद से यहाँ पे 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्याज का जो कलर है चेंज हो गया है। अब यहीं पे 2 टमाटर पिसा हुआ डाल देंगे और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जो है अच्छे से पकना शुरू हो जाए। और साथ ही में यहाँ पर डाल देते हैं लहसुन और अदरक। तो यहाँ पर हमने देखिए 1 इंच अदरक और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ जो है अच्छे से कूट लिए थे, इसे डाल लेते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के पका लेते हैं। तो मसाले में आपको इतना ही ऐड करना है क्योंकि हमने फ्राई करते समय सब्जियों में मसाले सारे ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर देखिए मसाले को पकाते हुए करीब 5-7 मिनट हो गया है। मसाले जो है बहुत ही अच्छे से पक चुका है, प्याज टमाटर भी अच्छे से यहाँ पक गया है। तो अब इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा 2 मिनट और पका लेते हैं। तो देखिए मसाले पक चुका है, अब यहीं पे पानी ऐड कर देते हैं। तो मसाले वाले पानी हम इसमें डाल देते हैं और डाल लेते हैं यहाँ पे अपना फ्राई किया हुआ सब्जी। तो मसाले के साथ सब्जी भी अच्छे से चला लेंगे कुछ सेकेंड तक। उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा पानी और ऐड कर देते हैं क्योंकि सारी सब्जी हमारी पकी हुई है, थोड़ा सा पकाना है। इसे 5 मिनट तक पकाएंगे तो सारी सब्जियाँ जो है पक जाएगी। तो थोड़ा पानी डाल के इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक हम पका लेंगे। तो चलिए 5 मिनट बाद देखते हैं सब्जी। तो 5 मिनट बाद देखेंगे सब्जी हमें बहुत ही अच्छे से उबाल आ रही है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है गाढ़ी हो गई है। अब यहीं पर गैस को करेंगे बंद। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार हमारा शिमला मिर्च और सोयाबीन की सब्जी जो है बनके तैयार है। तो आप इसे रोटी, पराठे, चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है। अगर इस तरह से कभी आपने ट्राई नहीं किया होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।